आज की कहानी दिल दहला देने वाली है। जिले के मसरक प्रखंड अंतर्गत बहरौली गांव में 2022 में सबसे बड़ा शराब कांड हुआ था, जिस घटना में 14 लोग मौत के गाल में समा गए थे। जो लोग भगवान भरोसे बच गए उनकी आंख की रोशनी चली गई। उन्हीं में से एक सचिन कुमार है जिसका आंख का रोशनी चला गया है। सचिन कुमार पहले लकड़ी का सामान बनाया करते थे जिससे घर का खर्च चलता था, लेकिन अब इनका आंख का रोशनी चला गया है और पत्नी घर से निकलकर मजदूरी कर घर चलाने में सहयोग करती है। हमारे पीछे एक व्यक्ति हैं, इसके पहले 2022 में शराब कांड हुआ था। इस गांव में 14 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग बीमार थे। उस दौरान कई लोग बच गए लेकिन आँख का रोशनी चला गया। हमारे साथ मौजूद है एक व्यक्ति, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। तो ये कैसे, मतलब आँख से दिखाई दे रहा है आपका? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दे रहा है जी। तो ये कैसे कांड हुआ है, कैसे आँख? जहरीली शराब पीने से आँख चली गई जी। तो आप शराब पीते हैं कि नहीं? नहीं, अब कहाँ से पियेंगे, जब आँखें से नहीं लग रहा है तो कहाँ पेशाब करने जाता है, तो कोई धरा के ले जाता है तो जाएंगे कहाँ, पैसा कहाँ से आएगा। और लोगों को क्या कहिएगा जो लोग शराब पीते हैं? हम तो कहेंगे कि शराब किसी भाई न पियो, बार बार घटना हो रही है, जहरीली शराब आ रही है। हम तो यही कोशिश करेंगे कि किसी भाई को शराब छूने तक न छूएगा, ऐसे कि हम समझ रहे हैं कि दारू पीने से कितना घाटा है, महसूस कर रहे हैं, यही तो हम बात बोल रहे हैं। आपका शादी हुआ है? जी शादी हुआ है। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। अब घर के चलाने वाले कौन है, कमाने वाले कौन? कमाने वाला कौन है, कोई तो नहीं लग रहा है। जरा मजदूरी वजदूरी पर उगार करके लाते हैं तो हम लोग खाते हैं। बात तो क्या है। कर रहे थे पहले जब स्वस्थ थे? स्वस्थ तो जो भी काम मिलता था मजदूरी वाला वो भी काम करते थे, जो भी काम मिल जाता था। बात है, शराब पीना अच्छा है या बुरा है? ये तो बहुत बुरा है, अच्छा कहाँ से है। तो यही बोल रहा है कि जिंदगी तो पूरा बेकार हो गया, मौत से भी बेहतर जिंदगी है ये जी। क्या नाम बताए हैं? सचिन कुमार शाह। ये सचिन कुमार शाह हैं, 2022 में शराब कांड बहरौली गांव में हुआ था। उस समय इस गांव के लोग 14 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। यहाँ पर उनकी पत्नी है, हम बात करेंगे। अब घर का आपका मतलब जो स्थिति है क्या है, पहले की अपेक्षा कैसे खर्च चल रहा है, कमाने वाले तो ये? हम तो मजदूरी करे जानी तब खर्चा चलेला। उस समय जब घर हमनी के बनावे ली रहनी सन तो ये घटना हो गए, तो हमनी के घर कैसे बनाई सन, गहना गुड़िया ले बेचा गई, ये सब इलाज उलाज करावते में आँखों चल गए। हो का हमार घर बा, ये हम मरई के घर बा, हमनी के धूप में धूपे लागता, ठंड में ठंडे लागताटे। एगो तो हमनी के घरो तो नहीं के, कुछ तो सरकार वरी से हमनी के तमिल ही के चाही, अंधा जे हो गल बा ओकरा कुछ ना कुछ मिले के चाही सरकार सरकार तरफ से। ये तो हम चाहतानी, कितना दुख बाटे हमरा से हम बुझतानी। लड़का सन के पहले अथी रख के कितना हमनी के प्राइवेट में पढ़ती सन, अथी करती सन, और लड़को सन हमनी के ही रहता रहन सन, और लड़के सन पढ़े कैसे जा सको, के कॉपी नहीं के रहता, कोने के कुछ नहीं के रहत, कहाँ से रही, जब कमाई अली आदमी ना रही, खुद मजदूरी करे चला हम तो 100 रुपया 50 रुपया मिलता तो उसे पेट भर के पढ़ाई लेके करावल जा। सरकार कुछ करे के चाहे ना हमनी के, कि मदद करे के चाहिए। 3 गो लड़का बा लोग, अथी 2 गो लड़की ना 2 गो लड़का आ 1 गो लड़की, अभी छोट छोट बा लोगन, उहो तो कमाई वाला नहीं के लोगन, कि कमाई लोग तो चल जाय, केहूँ हमने के दिकदारी से चला था, हमने के तो घरों भी नहीं के। फिर से शराब कांड भइल बा, लोग शराब जे पिए तो ओकरा के का कहें रहुआ? हम तो ये कहे के चाहतनी कि जे पिए तो उ छोड़ देव, आ प्रशासन बन अथी करो लोगन, देखत रहो लोग, देखभाल करो लोगन हमेशा, दारू कहाँ से मिलता, काहे मिलता थे, ये काहे बनता जहरीला दारू कि सारा लोग पी पी के मर जाता, काहे मरता थे, इतने हम कहे के चाहता नहीं। क्या नाम बताओ? हमारा राधिका देवी। तो ये राधिका देवी हैं, आप देख सकते हैं यही फूस पलानी का घर है, शुद्ध से घर भी नहीं है, काफ़ी
जिंदगी मतलब कि अच्छे से नहीं बीत रही है, घर शुद्ध से नहीं है, बच्चे जो पढ़ने जा रहे थे, एक ख्वाब था कि मेरे बच्चे भी निजी स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन स्थिति इतना है कि इतना ख़राब है कि मतलब कि एक वक्त के भोजन के लिए सोचना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कोई गैस पर खाना नहीं बनता है बल्कि चूल्हा पर बनता है, यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा है और लकड़ी से इनके द्वारा खाना बनाया जाता है। अपने बच्चे को भी पढ़ाना मतलब इनका मुश्किल हो गया है, तीन तीन बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए इन्हें सोचना पड़ता है, कभी कापी रहता है तो कभी कलम नहीं रहता है, कभी कलम रहता है तो कापी नहीं रहता है, स्थिति काफ़ी दयनीय है। और किसी तरह इनके राधिका देवी के द्वारा मतलब कि मजदूरी करके अपने घर को चलाया जा रहा है, क्योंकि जो इनके पति थे वह दूसरे प्रदेश में कमा रहे थे, लेकिन जब शराब कांड हुआ उस समय बस तो गए लेकिन इनका आँख की रोशनी चला गया है, जिसके वजह से अब घर का चलाना काफ़ी मुश्किल है। और इस मुश्किल भरी स्थिति में अपने घर को चलाने के लिए पत्नी काम कर रही हैं और किसी तरह घर को संभाल रही हैं। विशाल कुमार, लोकल 18, छपरा।